मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। एक लाइन में अगर कहा जाए तो सारे सीरियल्स का एक ही मैसेज है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। अगर हिंदी में कहें तो पर स्त्री गमन, जिसको पाप मानते हैं हम भारतीय संस्कृति में, वो स्वाभिमान नाम के टेलीविजन सीरियल का सबसे बड़ा मैसेज है। जिसको पाप मानते हैं हम भारतीय संस्कृति में, वो शांति नाम के टेलीविजन सीरियल का सबसे बड़ा मैसेज है। और भारतीय समाज में गलत संस्कार वाले बच्चे माने जाते हैं जो अपने मां बाप को उल्टी सीधी बातें कहें और हरकतें करें। हम पांच के सारे बच्चे अपने बाप को गाली देते हैं, अपनी मां को भी गाली देते हैं। और हम पांच जैसे बच्चे अपने मां बाप को गालियां देते हैं, वैसे ही बच्चे मान लीजिए आपके घर में पैदा हो जाएं, क्या करेंगे आप? हमारे देश में पहले किसी को अगर श्राप देना हो ना, तो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो श्राप दिया करते थे कि तुम ऐसे हो जाओ, पत्थर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। आज के जमाने में अगर किसी को श्राप देना है तो दे दीजिए कि तुम्हारे बच्चे हम पांच जैसे हो जाए। एक दिन मैं जा रहा था, कार से बैठकर मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था, उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले तू 100 साल जिए, तेरे बच्चे बड़े होकर तेरा खून पिए। तो हम पांच के जो बच्चे हैं ना, वो मां बाप का खून पीने के लिए ही पैदा हुए, और वो खून पीने वाले बच्चों को रोज आपके बच्चे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। फिर आपके बच्चे भी सीख रहे हैं कि बाप को कैसे डांटा जाता है, मां को कैसे डांटा जाता है, बाप के साथ कैसे उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, मां के साथ कैसे उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। यही संस्कार देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? हम पांच देखेंगे, स्वाभिमान देखेंगे, शांति देखेंगे। और इन सारे सीरियल्स की एक महत्वपूर्ण बात और देखिए आप, कि इन सारे सीरियल्स में ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी का पति किसी के साथ, और एक दूसरे को रोज बदल रहा है, जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं। और इन सारे सीरियल्स में एक और महत्वपूर्ण कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा, भारतीय समाज में कोई भी लड़की या बहन शादी से पहले मां बने तो यह कलंक है, पाप है। लेकिन स्वाभिमान नाम के टीवी सीरियल में हर लड़की शादी के पहले ही मां बन गई। ये सारे किस्से बिल्कुल उल्टे हैं, जो हमारे समाज के मूल्यों के बिल्कुल विरोध में है। और आप ऐसे उल्टे सीधे कहानी किस्से देखकर पता नहीं कैसे मनोरंजन महसूस करते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये मानसिक तनाव के लक्षण हैं। आपके बच्चों में मानसिक तनाव पैदा करने के, आप में मानसिक तनाव पैदा करने। और आपके बच्चे अगर संस्कारशील नहीं बन पाए, और आपके बच्चों का संस्कार अगर खत्म हो गया, तो मैं मानता हूं कि आपका मां बाप होना बेकार है। कोई भी मां बाप, सफल मां बाप तभी है जब अपने बच्चों को संस्कारवान बना सके और देश और समाज के काम में ला सके। और अगर हम हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, तो बाकी दुनिया जहान की बातें करना तो आप छोड़ दीजिए। हमारे देश के आजकल मां बापों को मैं अक्सर देखता हूं और सुनता हूं, एक ही शिकायत, राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते, राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते। बातें सुनेंगे कैसे, वो तो टीवी की बातें सुन रहे हैं, तो आपकी बात सुनने की उनको फुर्सत कहां? और आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो जान लीजिए कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मां और बाप की बात अगर बेटा बेटी सुनना बंद कर दें, तो उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं, और उनको समझने की कोशिश करिए। और उन गहरे अर्थों का जब भी आप विश्लेषण करेंगे, तो पाएंगे उनका सबसे बड़ा कारण है टेलीविजन, जो बच्चों को सिखा रहा है कि ना बाप की सुनो ना मां की सुनो, बाप को ऐसे डांटो, मां को ऐसे डांटो, उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ, उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ। तो आपके बच्चे यही सब सीख रहे हैं, और ये सब सीख सीख कर आपके बच्चे क्या बनेंगे, जरा कल्पना करिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।